نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بَعْزٍ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا صدق الله العظيم मेरे मोहतरम भाइयों और अज़ीज़ दोस्तों आज के दर्स का आगाज़ सुर कहफ की आयत नंबर निन्यानवे से किया है इन आयत में मेरे दोस्तों अजीज व आख़रत और कयामत का तजकरा है अल्लाह ताला फरमाते हैं व तरक ना बा हम यव मी ओजो फ़ी बाऊँ वनोफ़ि और उस दिन यानी क़यामत के दिन बाज़ लोग बाज़ के अंदर इस तरह घुसे हुए होंगे जिस तरह मोजे आपस में टकराती हैं कयामत के दिन मेरे दोस्तों अजीज़ों जब अल्लाह तबारक व ताल का हुक्म होगा तमाम लोग अपनी कबरों से निकल जाओ तो जब सारे लोग कब्रों से निकल कर मैदान महशर की तरफ बढ़ रहे होंगे रेले के रेले, लाखों का मजमा करोड़ों का मजमा सब मादरज़ाद नंगे नफसी नफसी का आलम मदहोशी बेहोशी सब के सब लोग रब की तरफ मैदान महशर में इकट्ठे हो रहे होंगे उस वक्त का ये मंजर, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अल्लाह कहते हैं उस वक़्त तुम्हारी हालत ऐसी होगी जिस तरह बाज़ मौजे बाज़ मौजों मुझो, मोजों के साथ आपस में टकराती हैं इस तरीके से तुम एक दूसरे में घुस ज, घुस रहे होंगे घुसे जा रहे होंगे भीड़ हजूम और फिर नफसी नफसी का आलम अजीब कैफियत होगी पसीने में शराबोर रिवायत के अंदर आता है किसी का पसीना उसके टखनों तक किसी का उसके घुटनों तक किसी का उसकी रानों तक किसी का उसके पेट तक किसी का उसके सीने तक और कोई अपने पसीने में डूबा हुआ होगा अल्लाह महफजना मिन वनूफी खाफिसूर और अल्लाह कहते हैं सूर को फूंक दिया जाएगा बगल बजा दिया जाएगा इसराफील व सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देंगे इसराफ़ील सूर फूको दो दफ़ा मेरा अजीज और सूर फूंका जाएगा कयामत के करीब पहली दफ़ा सूर में फूंक मारी जाएगी तमाम दुनिया फना हो जाएगी तबाह हाँ बर्बाद सब ख़त्म उसके चालीस साल के बाद जब अल्लाह ताला कब्रों से उठाएंगे फिर हुक्म देंगे इसराफील को सूर पको अब ये जब दूसरी मरतबा हज़रत इसराफी आलम सूर फूकेंगे सारे लोग अचानक से कब्रों से उठ कर मैदान महशर की तरफ जाने लगेंगे वही फरमाया फ़मा हम जम आ व नफ खफिस सूरी फ़मा हम जम आ जब सूर में फूक मार दी जाएगी तो हम सब को एक जगह इकट्ठा जमा कर लेंगे मैदान शर के अंदर और फिर वहाँ हिसाब किताब होगा व अर्ज ना जहन्नम यौ मई दिल्का फ्री न और उस दिन हम जहन्नम को पेश करेंगे उन पर जो उसका इनकार करते थे हाँ दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इनकार करते हैं अरे जहन्नम कुछ नहीं है अरे जन्नत कुछ नहीं है अरे क़यामत और आख़रत कुछ नहीं है अरे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना कुछ नहीं है एक दफ़ा जब आदमी मर जाता है तो बस मर जाता है जब वो बोसीदा हो जाता है मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है हवाओं में उसकी राख को उड़ा दिया जाता है समंदर में बहा दिया जाता है फिर कौन है दोबारा उठाने वाला और दोबारा ज़िंदा करने वाला अल्लाह कहते हैं वर्ज नाम हम जिंदा करेंगे सबको जमा करेंगे फ जमा ना हम जमा से सबको उठाएंगे जमा करेंगे और फिर इन इनकार करने वालों पर जहन्नम को पेश करेंगे लो भाई जिसका तुम मजाक उड़ाते थे और जिसका तुम इनकार करते थे लो आज अपनी आंखों से देख लो यही है वो जहन्नम और जहन्नम चिंघाड़ रही होगी दहाड़ रही होगी और उसकी चीख को सुनकर मेरे अजीज बड़े बड़े औलिया बड़े बड़े अंबिया सजदे में गिर जाएंगे मेरी और आपके तो क्या मचाल अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएीन अकानत आय अल्लाह कहते हैं किन पर हम जहन्नम को पेश करेंगे और ये इनकार करने वाले कौन लोग हैं अल्दीन अकानत आयुन फी गीता आज दुनिया में जिनकी आंखों पर मेरे जिक्र से पर्दा पड़ा हुआ है आज वो मुझे याद करने को तैयार नहीं मुझे मानने को तैयार नहीं मेरी बातों पर ईमान लाने को तैयार नहीं आज उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और वो समझने के यही दुनिया सब कुछ है इसके बाद है ही कुछ नहीं वकानूला समा और वो मेरी बात सुनने की ताकत भी नहीं रखते ताकत भी नहीं रखते का मतलब सुनना चाहते ही नहीं अल्लाह की बात सुनना भी नहीं चाहते कुरान सुनना भी नहीं चाहते अल्लाह को याद करना भी नहीं चाहते आखरत की बात जन्नत की बात जहन्नम की बात सुनना ही नहीं चाहते इस कदर ज़िद्दी घमंडी और मुझसे गाफिल आखरत से गाफिल और मौत से गाफिल बनकर ज़िंदगी गुजार रहे अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों पर मैं जहन्नम पेश करूंगा और इनको दिखाऊंगा कि देख लो यही है वो जिसका तुम मजाक उड़ाते थे और जिसका नाम सुनने को भी तुम दुनिया के अंदर तैयार नहीं होते थे अफा हसीब अल्लदीन अका फ़रू क्या गुमान कर लिया उन लोगों ने जो कुफ़्र करते हैं अयत तखीद व इबादी मंदूनी अवलिया के मेरे बंदों को मुझे छोड़ कर दोस्त बना लेंगे ये लोग जो मेरा इनकार करते हैं जन्त और जहन्म का इनकार करते हैं ये क्या समझते हैं कि मुझे छोड़ कर मेरे अलावा किसी और को दोस्त बना लेंगे और वह दोस्त आख़रत में इनके काम आ जाएंगे इनको जहन्म से मेरे अजाब से बचा लेंगे क्या समझते हैं कि हम नबियों को दोस्त बना लेंगे अलिया को दोस्त बना लेंगे अम्बिया मुश्किल कुशा अलिया मुश्किल कुशा नबियों से हमारा ताल्लुक वलियों से हमारा ताल्लुक़ हम तो नबियों की औलाद हैं वलियों की औलाद हैं अलिया अल्लाह को मानने वाले हैं और वो मुश्किल कुशा हैं हाजत रवा हैं दस्तगीर हैं फ़रियाद रसें हमें आख़रत में बचा लेंगे जहन्नम से अल्लाह कहते नहीं मैं मुश्किल कुशा हूं सिर्फ और सिर्फ सिर्फ मैं हाजत रवा मैं मुश्किल कुशा मैं दस्तगीर मैं फरियाद रस कोई वली हो या नबी कुतब हो या के अबदाल गौस हो या के मुजद कोई कितने से बड़ा से बड़ा आलिम फाजिल मुहदीस मुफस्सिर वली कुतब अकदाब गौस कुछ भी हो अल्लाह कहते हैं कोई बचा नहीं सकता कोई नहीं बचा सकता इन्ना आतद जहन्नम फ्री ना नुजुला अल्लाह कहते हैं उस दिन हम इनकार करने वालों पर मेहमानी के तौर पर जहन्नम को पेश करेंगे आओ भाई यहां तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा मेहमानी का इंतजाम है यहां आओ तुम्हारे लिए जियाफत का हमने इंतजाम कर रखा है जहन्नम के अंदर ये अल्लाह ताला ने चोट मारने के लिए ज़रा सख्त रवैया अपनाते हुए धमकाते हुए कहा अरे तुम्हारी मेहमानी जन्नत में नहीं तुम्हारी मेहमानी जहन्नम में होगी जहन्नम में कुलहनबुम मिलसरी ना माला अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब लोगों को बता दो यहाँ दुनिया में खसारे के अतबार से आमाल के अतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है सबसे ज़्यादा घाटे में कौन है सब ज़्यादा नुकसान उठाने वाले कौन हैं अल्लादीन अज़ल हम फिलहिया दुनिया वो लोग दुनिया की ज़िंदगी ही में जिन की कोशिश बेकार चली गई वहम यह सबून अनना हम यह सुनूना सुनआ और वह यही समझते रहे हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे कितने लोग मेरा अजीज और दुनिया के अंदर बहुत अच्छे काम करते हैं वाकई अच्छे काम करते हैं गरीबों की मदद यतीमों की कफालत मसाजिद की खिदमत मदारस की खिदमत उलमा की खिदमत, सड़कें बनवाना शिफा खाने बनवाना यतीम खाने बनवाना लोगों को पानी पिलाना लोगों को खाना खिलाना गरीबों की हेल्प और मदद करना ये सारे अच्छे काम हैं लेकिन अल्लाह कहते हैं कि ये लोग ये समझ रहे कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे लेकिन हकीकत ये कि अच्छे काम होने के बावजूद भी इनकी तमाम मेहनत तमाम कोशिश बेकार चली जाएगी वो क्यों दो वजह से क्योंकि किसी की भी मेहनत और कोशिश और इबादत दो वजह से अल्लाह ताला कबूल करते हैं या तो ईमान हो और इखलास हो ईमान हो और इखलास हो जिसके पास ईमान नहीं वो कितनी भी मेहनत करे कोशिश करे गरीबों की मदद करे अल्लाह कहते हैं सारी मेहनत इसकी ज़ाय चली गई दुनिया के अंदर हम इसकी मेहनत पर इसको दुनिया के अंदर तो सीला और बदला दे देंगे लेकिन आखरत में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आखरत में तो ईमान की बुनियाद पर फैसला होगा और दूसरे वो लोग जिनके पास ईमान तो है लेकिन इखलास नहीं ईमान है लेकिन जो भी करते हैं रियाकारी के लिए दिखलावे के लिए नमूद के लिए शोहरत के लिए अल्लाह कहते हैं ये भी वो लोग हैं जिनकी मेहनत ज़ाय गई बहुत कुछ करते हैं और जो चाहे कर लें जितनी मेहनत चाहे कर लें लेकिन मेरे यहां कुछ नहीं मिलेगा सब बर्बाद है उलायक लदीन का फ़रू भी आयात रब मलिकाही यही वो लोग हैं जो अपने रब की आयात का इनकार करते थे और उसकी मुलाकात का इनकार करते थे ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी बात भी मानने को तैयार नहीं मेरी आयात का मेरे क़ुरान का भी इनकार करते हैं और मेरे से मुलाकात का भी इनकार करते हैं कोई अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी बस मर गए सो मर गए अल्लाह से मिलना नहीं है अल्लाह से मुलाकात मुलाकात कुछ नहीं है सब मौलवियों के ढकोसले हैं लोगों के बनाई हुई अपनी बातें हैं कुछ नहीं है बस मर गए सो मर गए अल्लाह से कोई मुलाकात नहीं फ़ीत आमा अल्लाह कहते हैं इनके सारे अमाल बर्बाद हो गए फ़ला नी मिलहम योमलक़ियामत वज़ना और इनके लिए क़यामत के दिन तराजू ही खड़ा नहीं करेंगे क़्यामत के दिन म और मजलूम हाकििम और महकुम तमाम लोगों के दरमियान अल्लाह तबारक वताल और फैसला करने के लिए तराजु क़ायम करेंगे तराजु बड़ी वज़नी तराजु सब को सब के साथ इंसाफ़ होगा सब के साथ अदल होगा किसी के साथ ज़र्र बराबर भी ज़्यादी नहीं की जाएगी कुरान में बार बार ये बात अल्लाह ने फरमाई देखो मैं एक जर्रे के बराबर भी किसी पर म नहीं करूँगा एक तराजू क़ायम की जाएगी जिसके अंदर अच्छाई भी तोली जाएंगी और बुराई भी तोली जाएंगी और फिर अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला सुनाया जाएगा लेकिन वो लोग जिनके पास ईमान नहीं था या वो लोग ईमान तो था लेकिन जो कुछ करते थे रियाकारी के लिए दिखलावे के लिए करते थे अल्लाह कहते हैं उनके लिए हम तराजू ही क़ायम नहीं करेंगे क्या करेंगे तराजू क़ायम करके दुनिया के अंदर ही उनके तो सारे अमाल गलत हो गए बर्बाद हो गए अरे नामा या आमाल में कोई नेकी होगी कोई अच्छाई होगी तो तराजू में तोला भी जाएगा जब है ही कुछ नहीं खाली हाथ पहुँचे हैं सारे आमाल तो दुनिया में जय कर बैठे रिया कर रियाकारी करवा कर दिखलावे के ज़रिए से तो अल्लाह कहते हैं उनके लिए तराजू क्यों कायम करेंगे जाली का जसा जहन्नम ये जहन्म ही उनका बदला होगी बिमा का फ़रु क्यों वह कुफ़्र करते थे वह आयाती वरूसली हुवा मेरी आयात का मेरे रसूलों का मजाक उड़ाते थे इसलिए इन लदीन आमनिहात और वो लोग जो ईमान लाए नकाम किए कान जन्नतोसिन इनकी मेहमानी जन्नतफरदोस में होगी अल्लाह 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 अल्ला, अल्ला हमारे तमाम भाइयों के मुकदर में जन्नतफरदोस को लिखते हैं अल्लाह कहते हैं जो ईमान वाले नकाम वाले इनकी मेहमानी मैं जन्नतफरदोस में करूँगा अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने इशाद फरमाया जब भी अल्लाह से जन्नत का सवाल करो जन्नतफरदोस का सवाल करो क्योंकि अल्लाह की जन्नतों में सबसे अज़ीम जन्नत व जन्नतफरदोस है खालदीन अफीहा उसमें हमेशा रहेंगे लाए गिबाला उससे निकलने का इरादा भी नहीं करेंगे कहीं और जाना शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे यहाँ ऐसा नहीं दुनिया के अंदर एक मकान से दिल भर गया चलो भाई शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे मकान में चले जाते हैं एक इलाके से एक एरिए से ज़रा दिल भर गया चलो भाई दूसरे एरिए में दूसरे इलाके में चले जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा आख़रत के अंदर अल्लाह तला फरमाते अरे वो जन्नत ही ऐसी होगी तुम्हारा जी ही नहीं भरेगा तुम्हारा दिल ही नहीं भरेगा हज़ारों साल लाखों साल करोड़ों अरबों खरबों साल उस जन्नत के अंदर तुम रहो और रहोगे लेकिन तुम्हारा दिल नहीं भरेगा ऐसी जन्नत قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الله فرماتين كهديجي يا محبوب اگر میرے ربك كلمات کلمات میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے تمام سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے البحر قبل ان تنفد كلمات ربي یہ سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی ولو جئنا بمثله مددا اگرچہ اسی طرح इसी जैसे सारे समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए कहते हैं दुनिया के अंदर तीन हिस्से में पानी ही पानी एक हिस्से में सिर्फ खुशकी है जिस पर दुनिया आबाद है आबादी है लोगों की अल्लाह कहते हैं ये जो तीन हिस्से में पानी है ना इस सारे पानी को रोशनाई बना दो दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं सबको काट काट कर कलम बना दो और तमाम अंबिया तमाम फरिश्ते तमाम बड़े बड़े मुहदसन माफसन दुनिया के तमाम दानशवरान तमाम जो है जो है सहाफ़त की दुनिया में काम करने वाले लोग सब इकट्ठे हो जाएँ अवलिन सब को जमा कर लो और मेरी तारीफ लिखना शुरू करो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ अल्लाह कहते हैं तुम्हारे कलम टूट जाएँगे घिस जाएँगे ख़त्म हो जाएँगे समंदर की रोशनाई लिखते लिखते सूख जाएंगे सारे समंदर सारे समंदर सूख जाएंगे और अल्लाह कहते हैं ये तीन ये जो तीन हिस्से पानी है ना इस जैसा और फर्ज कर लो इस जैसे और तीन हिस्से पानी और शामिल कर लो साथ में और लिखते जाओ लिखते जाओ तमाम अवलिन आखरीन फरिश्ते अंबिया बड़े बड़े मुहदसिन मुफसरीन कयामत तक भी लिखेंगे हजारों साल लाखों साल करोड़ों साल लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं अल्लाह की तारीफ़ को बोलते जाएं, बयान करते जाएं, अरे कलम टूट जाएंगे, कलम घिस जाएंगे, दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, समंदर की सियाही ख़त्म हो जाएगी समंदर सूख जाएंगे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी तेरे रब की तारीफ़ फिर भी ख़त्म नहीं होगी यह है मेरे अजीज और मेरे रब की शान अलहमद पुलमा अन बशर उमसलकुम कह दीजिए मेरे महबूब मैं तुम्हारे ही तरह तुम्हारा ही जैसा एक इंसान हूँ यू हा इया मेरी तरफ़ यह वही की गई कि मैं लोगों को बता दूँ अन्नामा इलाकुमु इला वाद लोगो देखो तुम्हारा खुदा सिर्फ़ एक खुदा है बाज़ लोग कहते हैं नबी को बशर न कहो नबी को, को इंसान न कहो मेरा अजीज हो अल्लाह ने इंसान कहा है ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्ला व्म ने अपने आप को इंसान कहा है हाबा ने अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को इंसान कहा है आपकी बीवियों ने आपको इंसान कहा है जब सब लोग इंसान कहते हैं तो हमें इंसान कहने में क्या हर्ज है अलबत् इतनी बात जरूर है इंसान इंसान बराबर नहीं होता इसको हम मानते हैं हर इंसान बराबर नहीं कुछ बड़े दर्जे के होते हैं कुछ उन भी बड़े दर्जे के होते हैं कुछ उन भी बड़े दर्जे के होते हैं और कुछ निचले दर्जात के होते हैं इसलिए दर्जात का फ़र्क तो ज़रूर है लेकिन जिनसियत का फ़र्क नहीं है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम जिन्स के अतबार से इंसान थे आपके बीवी थी बच्चे थे रिश्तेदार थे आप खाते भी थे पीते भी थे शादी ब्याह भी करते थे इंसानों जैसे सारे काम करते थे अम्मी आयशा से सवाल किया गया अम्मी आयशा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की बाहर की ज़िंदगी तो हमारे सामने ज़रा घर के बारे में बताइए हुजूर घर में क्या करते थे तो फरमाया हुजूर इंसानों जैसे कि इंसान ही तो थे घर में जिस तरह दूसरे लोग काम काज करते हैं मेरा महबूब भी काम करते थे घर में मुझे जो काम करते हुए देखते हुजूर वही काम करने लगते कभी झाड़ू भी लगा लेते कभी अपना जूता गाठ लेते कभी बकरी का दूध दो लेते कभी अपना कंबल सिल लेते जो काम में करती रहती थी उसी काम में शामिल हो जाते थे आप भी तो एक इंसान थे देखो अमिया आयशा गवाही देती हैं तो मेरे अजीजों जिनसियत के अतबार से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम इंसान थे अलबत् दर्जे के एतबार से आपसे ऊपर कोई नहीं आप तमाम इंसानों में दर्जे के एतबार से सबसे अफजल तरीन इंसान थे अलबत् इंसान दर्जे में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता मुकाबला तो दूर की बात बराबरी तो दूर की बात यानी आपसे ऊपर तो दूर, दूर की बात आपके बराबर का भी कोई नहीं हो सकता तो हुजूर फरमाते हैं, देखो मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं मेरी तरफ ये वही की गई कि मैं लोगों को बता दूं लोगों तुम्हारा सिर्फ़ एक खुदा है वही मुश्किल कुशा है वही हाजत रवा है वही फरियाद रस है वही दस्तगीर है वही लेने वाला वही देने वाला वही इज़्ज़त देता है वही जिल्लत देता है वही ख़ुशियाँ देता है वही गम देता है वही औलाद देता है वही औलाद ले लेता है वही नफा देता है वही नुकसान देता है जब सब कुछ करने वाला वो इसलिए इबादत भी सिर्फ उसकी करो रुकू सिर्फ़ उसके सामने सजदा सिर्फ़ उसके सामने नज़र नहीं आर्फ़ अल्लाह के लिए दुआ सिर्फ़ अल्लाह से मांगना सिर्फ़ अल्लाह से झुकना सिर्फ़ अल्लाह के सामने डरना सिर्फ़ अल्लाह से जब सब कुछ करने वाला वो है तो इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए किसी और की इबादत भी नहीं होनी चाहिए फमन कान एयरजोलि लिका रब्बी लिहाजा जो उम्मीद रखता है अपने रब से मुलाकात की जो यकीन रखता है इस बात पर कि एक दिन मुझे अपने रब से मुलाकात करना है उसको चाहिए अमलन सालिहा नेक अमल करे अच्छे अमाल करे दुनिया के अंदर ने काम करे वला यु शर्क भी इबादत रब भी अहदा और अपने रब की इबादत में किसी और को शरीक ना करे किसी को शरीक ना करे जो भी इबादत करे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए शिरक़ की दो किस्में हैं एक शिरक जली एक शिरक खफी शिरक जली कहते हैं अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी और को शरीक करना और शिर खफी कहते हैं इबादत में रियाकारी करना वही बात अल्लाह ने यहाँ फरमाई देखो इबादत करो तो सिर्फ़ मेरे लिए मेरी इबादत में किसी और को शरीक ना करो दिखलावा ना करो रियाकारी ना करो नमाज पढ़ते हो सिर्फ मेरे लिए पढ़ो कुरान पढ़ते हो सिर्फ मेरे लिए पढ़ो सदका देते हो सिर्फ मेरे लिए सदका दो और किसी गरीब की खिदमत करते हो सिर्फ मेरे लिए कोई नेकी करते हो सिर्फ मेरे लिए जो भी काम तुम करो जो भी खिदमत का काम तुम करो जो भी भलाई करो जो भी अच्छाई करो सिर्फ अपने रब के लिए करो दूसरों को दिखाने के लिए मत करो दूसरों को दिखाने के लिए करोगे तो कयामत के दिन मैं अल्लाह तुमसे कह दूंगा जिसको दिखाने के लिए कर रहे थे जाओ जा के उसी से जन्नत मांग लो उसी से सवाब ले लो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए वाखिर अनहमदबर